नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज और मैं हूं दिवाकर आपके साथ। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल एडवोकेट ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी में घोटाले के अवसर पर राष्ट्रीय है और कोरोना वायरस किट, थर्मल स्कैनिंग मशीन के साथ साथ और कई यंत्रों की खरीद में व्यापक घोटाला किया। आइए देखते हैं अभिषेक कुमार के साथ प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। क्या है पूरी जानकारी? पूरे देश और प्रदेश में जो है कोरोना घोटाले को लेकर के फिलहाल हम लोगों की स्थिति, उत्तर प्रदेश में कोरोना घोटाले को लेकर मुखर है। हमारे प्रदेश जो है प्रभारी रेटों पर जाया जा रहा है। ये जिलाधिकारी अपने विशेषाधिकार से अलग 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 रेटों पर खरीद रहे हैं। ये विभिन्नता एक घोटाले की तरफ जो है जाती है, जिसमें हम लोग आम आदमी पार्टी भी विरोध करती है। हम लोग चाहते हैं कि जो है इस घोटाले की जाँच CBI से कराई जाए, SIT से कराई जाए। जहाँ पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को लेकर पूरे दुनिया भर के लोग चिंतित हैं, भारत भी चिंतित है। भारत आज अमेरिका के बाद जो है दूसरे नंबर पे आ गया, ब्राज़ील के बाद आ गया है। कल ये महामारी हो सकता है हमको जो है ऊपर नंबर एक पे आ जाए। दिसंबर का टाइम बाकी है। भाजपा सरकार ने जो घोटाला किया है इसके बारे में आम आदमी पार्टी क्या प्रस्ताव है कि आगे कोई बात एकदम उठाएगी? नहीं, हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। हमारे लोग जितने भी हैं, तमाम मुद्दे हैं इस देश में, जैसे अपराध हो रहे हैं, दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उनको लेकर के जो है हत्याएँ जो भी हो रही हैं, ज़्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, विषय को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जो है, जहाँ हमारे मिश्रा जी जो है मारे गए हैं, मारा गया उनको, उनके घर से लौट रहे थे, उनको अटौरा में वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। वो विषय को लेकर के भी हम लोग चिंतित। आपके अलावा भी और कहीं भी प्रेस वार्ता की गई है और भी कई प्रदेश? हाँ, पूरे प्रदेश में जो है आज की डेट में, आज के टाइम पूरे 75 जिले में जो है सारे जिला जिले के अध्यक्षों को निर्देश हुआ है कि वो लोग प्रेस वार्ता के जानकारी से जो है विरोध व्यक्त करें। निर्देश दिए आपके राष्ट्रीय? हमारे राज्य के अध्यक्ष ने निर्देश ये दिया है कि कोरोना घोटाले की लेकर के आप लोग जो है वहाँ की बस का मूल्यांकन करें और देखें कि उनको उसे किस रेट में खरीदे जा रहे हैं और हमको अवगत करें। जैसे बिजनौर का रेट कुछ और है, सुल्तानपुर का कुछ रेट और है, बाराबंकी में घोटाला किया गया, बिहार ब्लाक में कुछ और है। हम लोग विशेष तौर से अपने जिले के लिए भी चिंतित थे। यहाँ घोटाला जो है अलग अलग रेटों में खरीदे गए, खरीदे गए फर्टिलाइजर तो बड़े प्रमुख पैमाने पर खरीदे गए। दोषी कौन होगा? बाराबंकी जैसे जनपद का मुख्य दोषी जो जिला प्रशासन होता है, जिलाधिकारी होते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं कि आप जो है नियंत्रण तो नहीं कर पा रहे हैं। क्या घोटाले का विषय है, हम लोग चाहते हैं SIT से CBI की जाँच और भी चलेगा जो है जो इसके अलावा भी डकैती है, छीना झपटी है और इनके जो पुलिस विभाग के तमाम बच्चों को मारे जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है,